हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल आरोप है ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ संस्थाएं और कंपनियां बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही हैं। ये संस्थाएं और कंपनियां खास समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर गलत हलाल सर्टिफिकेशन की मंजूरी दे रही है। इसको लेकर लखनऊ में FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। हलाल सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े को लेकर CM योगी आदित्यनाथ भी सख्ती बरत रहे हैं। संभव है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर ही रोक लगा दी जाए, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। इस FIR में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम हैं, साथ ही उन संस्थाओं के भी नाम हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। बड़ी खबर ये है कि CM योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का संज्ञान लिया है। खबर ये है कि यूपी में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लग सकता है। दरअसल यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा कर रही थी। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करवा रहे थे। वही हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वही BJP कह रही है कि FIR हुई है तो कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हलाल प्रोडक्ट पर CM योगी का बड़ा आदेश, हलाल प्रोडक्ट पर तत्काल रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल आरोप ये है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ संस्थाएं और जो कंपनीज है वो बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही थी। ये संस्थाएं और कंपनी खास समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर गलत हलाल सर्टिफिकेशन की मंजूरी दे रही थी और अब एक बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, तत्काल रोक के आदेश दे दिए गए हैं हलाल प्रोडक्ट्स पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। CM योगी ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है और तुरंत इन हलाल प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जाए, ये आदेश CM की तरफ से जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि देखिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर ही सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप ये है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही थी और यही वो संस्थाएं हैं, वही यही वो कंपनीज हैं जो खास समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नियमों को ताक पर रख रही थी और गलत हलाल सर्टिफिकेशन की मंजूरी दे रही थी। इसी को लेकर लखनऊ में FIR भी दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफाइड के फर्जीवाड़े को लेकर अब CM ने सख्ती बरतते हुए एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है और तुरंत हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेर रहा था और CM योगी लगातार सख्ती बरते हुए थे और अब बड़ी खबर इस वक्त ये है कि तुरंत हलाल प्रोडक्ट पर रोक के आदेश जारी कर दिए गए। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा था, CM सख्ती बरते हुए थे, अभी बड़ी खबर आ रही है कि तुरंत के तुरंत रोक के आदेश दे दिए गए हैं हलाल प्रोडक्ट्स पर। निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर बात करें तो CM योगी के आदेश के बाद तमाम तरह के जो सरकारी एजेंसियां है वो सक्रिय हुई, इसके साथ पुलिस मेहमान भी सक्रिय हुआ था, 9 लोगों के ऊपर FIR हुई थी और इसके बाद अब जो हलाल प्रोडक्ट है उसे लेकर साफ तौर पर निर्देश है कि यूपी की सीमा के भीतर इनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। और इस टाइम जिस तरह से जी मीडिया लगातार सुबह से खबरें दिखा रहा है, जिस तरह से जी मीडिया लगातार जिक्र भी कर रहा है कि हलाल प्रोडक्ट की अब यूपी में कोई एंट्री नहीं होगी, हलाल प्रोडक्ट को लेकर अब यूपी में ना है, लगातार हम इस बात को कह रहे थे, तो अब
इस पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो और कड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और इस कार्रवाई के क्रम में अब आगे आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जो भी हलाल प्रोडक्ट है या फिर इसको लेकर जो चेन है तो जो काम कर रही है उसके लेकर बड़ी कार्रवाई आगे भी होगी। नीतीश, आज भी FIR दर्ज हुई है कई कंपनीज पर। लखनऊ में हम बात करें तो अभी CM की तरफ से सख्ती के आदेश जारी कर दिए हैं, तुरंत ही इन पर रोक लगाई जाए, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि कई सारी और कंपनीज भी हैं जो अब शिकंजे में आ सकती हैं। निश्चित तौर पे, और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ 1, 2, 3, 4, 9 कंपनियां नहीं बल्कि कुल 25 से ज्यादा, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो इस पूरी चेन में शामिल हैं। उन पर निगाह है एजेंसियों की, अब देखना यह होगा कि उन पर अगली कार्रवाई कब तक होती है। बिल्कुल, बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जो ये कंपनीज हैं अब इन पर अगली कार्रवाई किस तरह से होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर, इन कंपनीज को लेकर, जाहिर सी बात है अब CM के इस एक्शन के बाद विपक्ष को भी जवाब जरूर मिल जाएगा। आप बने रहिए, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त यही है इस मामले से जुड़ी हुई कि इस मामले में तुरंत, ये देखिए ये एक्सक्लूसिव इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑर्डर की कॉपी है जो CM की तरफ से आदेश दिए गए हैं। वही फोटो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट्स पर तत्काल रोक के आदेश CM योगी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि एक बड़ा आरोप लग रहा था और इसी को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ था, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कई सारी ऐसी संस्थाएं पाई गई, कई सारी ऐसी कंपनीज पाई गई जो बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही थी, और इसी को लेकर CM ने सख्ती बरती है और अब तुरंत ही रोक के आदेश CM की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। नीतीश, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था इस मामले को लेकर, जाहिर सी बात है अब CM के आदेश के बाद विपक्ष को जवाब जरूर मिल जाएगा। निश्चित तौर पर, और ये जवाब ही पूरी की पूरी कार्रवाई की बड़ी कड़ी है। आपको बताएं कि जिस तरह से मामला सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया। एक तरफ जातिगत भावना देखी जाने लगी, इसे चुनाव से जोड़ा जाने लगा, लेकिन आपको बता दें कि CM का ये निर्देश कहीं ना कहीं विपक्ष के है, उस पर एक बड़ी चोट है। आपको बताऊं कि साफ तौर पे ये है कि अगर कोई इस तरह का संगठन है और इस तरह का संगठन बाजार पर कब्जा करने के फिराक में है, कहीं ना कहीं उस पैसे के गलत उपयोग का अंदेशा है और ये पूरी चेन काम कर रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी की शक्ति कहीं ना कहीं जरूरी है, और वही शक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। CM योगी की जो शक्ति है वो आने वाले दिनों में इस बाजार से ऐसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने वाली ये जो चेन है उस पर कड़ा काम करने का काम करेगी, और यही आदेश अब आगे आने वाले दिनों में जैसे लोगों के लिए नजीर होगा। और आज का CM का ये आदेश जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं जो इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे थे, निशाना साध रहे थे, उन पर भी चोट करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नीतीश, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि CM तो पहले भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जनता के साथ जरा भी धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ तो 85% ऐसे लोग थे, ऐसे नागरिक थे जिनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो उनके मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन किया जा रहा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सख्ती बरती जाए या फिर CM का जो कड़ा रुख है वो तो CM ने अपनाना ही था, ये क्लियर हो चुका था पहले ही। नीतीश, निश्चित तौर पे जिस तरह से CM ने साफ तौर पे ये बात सामने करके जता दी थी, CM के संज्ञान लेने के बाद तमाम प्रशासनिक महिमा सक्रिय हुआ, लेकिन अब उसके बाद CM का ये निर्देश, और निर्देश के बाद अभी आपको बता दो कि सिर्फ ये निर्देश नहीं है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास और भी जानकारी है, और जानकारी ये है कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाइयां होनी है, यानी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी चेन में कंपनियां शामिल है जो कहीं ना कहीं इस पूरी गतिविधि में संलिप्त है, तो उनके खिलाफ भी जबरदस्त तौर पर कार्रवाई होनी तय है। और CM इसे लेकर पूर्ण रूप से सख्त दिखाई दे रहे हैं, यानी जिस तरह से हम लगातार जी मीडिया लगातार जिक्र कर रहा है कि ऐसे संगठनों की यूपी में ना है, तो अब अगली कार्रवाई का इंतजार करें। और फिलहाल जो CM का ये आदेश है विपक्ष के बयानों पर कड़ी चोट, इसके साथ ही यूपी की सुरक्षा और इसके साथ यहाँ के व्यापार पर एक बड़ा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं जो वो संगठन जो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं ऐसी आशंका जताई जा रही थी, बाजार को कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों के माध्यम से कब्जा करने के मूड में थे, ये सारी आशंकाएं थी, तो इस पर CM सख्त हुए। और आप प्रशासनिक एजेंसियां जो है, जो कहा जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां है, वो पूरी तरह से सक्रिय हुई, और अब CM का ये आदेश कहीं ना कहीं उन सारी चीजों पर, अगर आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता है, सक्रियता है, तो उस पर लगाम लगाने का काम करेगा। विपक्ष जो बयानबाजी कर रहा था उसके बयानों का जवाब देने का काम करेगा, इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने का काम करेगा और ऐसे लोगों को कड़ा संदेश देने का काम भी करेगा जो इस चेन में कहीं ना कहीं शामिल। यानी नीतीश, हम ये भी कह सकते हैं कि लखनऊ के बाहर जिन 12 से 13 कंपनीज का आप जिक्र कर रहे हैं, अब जो अगली कार्रवाई होगी या फिर जो अगला शिकंजा कसा जाएगा वो लखनऊ के बाहर होने वाला है।
निश्चित तौर पे लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको लेकर बड़ा अभियान चलाया जाने वाला है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ऐसी जानकारी है। अब उस कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन आपको बता दूं ये कार्रवाई सिर्फ एक कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों यानी हम इसको कह सकते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की बड़ी आशंका है। ठीक है नीतीश, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।